सो हेलो हेलो एंड व्हाट्सएप गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हमारे फेब्रुवरी महीने की बुईया पास का रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ, क्या होने वाला है हमारा फेब्रुवरी महीने का बुईया पास। साथ में आप लोग को OB38 अपडेट की रिगार्डिंग बहुत सारे अपडेट आज के इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। न्यू इमोट बंडल्स वगैरह क्या होने वाला है, तो वीडियो जरूर ध्यान से देखना, आप लोग का काम का बहुत कुछ मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। और गाइस, जो लोग भी चैनल पर पहली बार नया रहो ना, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो जरूर लाइक कर देना, एंड इस वीडियो अपने दोस्त लोगों से जरूर शेयर कर देना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। सो गाइस, हमारा OB38 अपडेट आने वाला 11 जनवरी को। तो अपडेट के बाद सबसे पहले हमारा लॉबी चेंज हो जाएगा, तो आप लोग को न्यू लॉबी कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल जाए। एक रूम का कमरा जो होता है उस टाइप का इसको बनाया गया है, एंड देखने में बहुत ही ओपी लग रहे हैं। आप लोग को अपकमिंग लॉबी कुछ इस टाइप का ही देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ में जब भी आप लोग मैच खत्म करोगे, मैच खत्म होने के बाद आप लोगों को जो वेटिंग लॉबी या जो शो होता है किसने कितना किल किया, वो वाला लॉबी आप लोगों को कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिल जाएगा। तो OB38 अपडेट के बाद सबसे पहले ये चेंजेस आने वाला है। एंड गाइस, अभी बात करते हैं हमारे बुईया पास को लेकर। तो फरवरी और मार्च महीने को हमारा दो बुईया पास आने वाला है। इस OB38 अपडेट में इनका डिजाइन क्रिएट हो गया है, तो आप लोग यहां पे एक फोटो देख पा रहे हो। ऊपर एक बुईया पास और नीचे एक बुईया पास का लोगो है। तो सबसे पहले यहां पे जो बुईया पास का लोगो देख पा रहे हो, एलिगेटर है। जी हां गाइस, आप लोगों को फरवरी महीने को एलिगेटर बुईया पास देखने के लिए मिलेगा। एलिगेटर खत्म होने के बाद ड्रैगन थीम पे हम लोग को मार्च महीने को नेक्स्ट बुईया पास देखने के लिए मिलेगा, जिसका आइकन और लोगो आप लोग देख पा रहे हो। ड्रैगन थीम पे इसको बनाया गया है, तो बंडल्स भी ड्रैगन थीम पे आने वाला है। एंड ये दोनों बुईया पास का बॉक्सेस आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। लेफ्ट साइड वाले हमारे एलिगेटर देख पा रहे हैं, राइट साइड पे आप लोगों को ड्रैगन थीम के ये बॉक्सेस देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस, OB38 अपडेट के बाद मैं आप लोगों को पूरा बुईया पास का रिव्यू करके दे पाऊंगा प्रॉपरली। फिलहाल तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हमारा बुईया पास बैकग्राउंड भी बहुत ही मस्त लग रहा है। तो आप लोग को फरवरी महीने को ये एलिगेटर बुईया पास देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोग थोड़ा यहाँ पे बहुत कुछ देख पा रहे, तो आप लोग की वाला बुईया पास कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई, हमारा फरवरी महीने का बुईया पास मैं सबसे पहले आप लोग को रिव्यू करके जरूर दिखाऊंगा। तो अभी तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दिया, अभी भाई मैं आप लोगों को बंडल्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो हमारा अपडेट के बाद जो वेटिंग लॉबी होता है, उधर में गाइस आप लोगों के एलिगेटर एंड यहाँ पे ड्रैगन थीम का ये बुईया पास का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों बहुत ही कमाल का लग रहा है। एंड अभी बंडल दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारे बंडल देख पा रहे, हमारा OB38 के बहुत सारे बंडल्स है। एंड लेफ्ट साइड पर जो ग्रीन कलर के बंडल आप लोग देख पा रहे, हमारा एलिगेटर बंडल होने वाला है, मतलब बुईया पास का मेन मेल बंडल। और इसके साथ में गाइस और भी ढेर सारे बंडल्स रखा गया जो नॉर्मल इवेंट पे वाला है। एंड यहाँ पे गाइस और भी बहुत सारे बंडल देख पा रहे हो, तो नीचे लेफ्ट साइड पे देख पा रहा हूँ हमारा एलिगेटर बुईया पास का फीमेल बंडल, एंड राइट साइड पे बहुत सारे अपकमिंग न्यू बंडल्स आने वाला है। एंड थोड़ा ऊपर के साइड और देखेंगे तो राइट साइड में ये कैरेक्टर बंडल है, एंड बीच में ये जो देख पा रहे हैं हमारा न्यू ट्रांसफॉर्मेशन इमोट का बंडल होने वाला है। एंड यहाँ पे भाई जो लेफ्ट साइड पे देख पा रहा हूँ, ये हमारा नेक्स्ट मार्च महीने की बुईया पास का बंडल है, जो एक ड्रैगन थीम पे बनाया गया, जैसा आप लोग देख पा रहे हो, बहुत ही कमाल का बंडल्स है। एंड गाइस, इसी के साथ में गाइस आप लोग को और भी बहुत सारे बंडल देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ एनिमेशन बंडल आने वाला है। एंड लेफ्ट साइड पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा व्हाइट 444 का बंडल, जो एक ब्लू एंड ब्लैक बनी होने वाला है। एंड आप लोग को बनी इनक्यूबेटर बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगा, तो उस इनक्यूबेटर का रिव्यू जल्दी दे दूंगा मैं। इसी के साथ में गाइस आप लोग को और भी बहुत सारे बंडल्स मिलेगा, जैसे कि लेफ्ट साइड पे स्काई विंग देख पा रहे हो, एंड राइट साइड पे कुछ फीमेल बंडल देख पा रहे हो। एंड यहाँ पे भाई देख पा रहा हमारा कुछ यहाँ पे डेंसो थीम पे कुछ बंडल्स एड होने वाला है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे बंडल गाइस आने वाला है इस पर हमारे डेंसो में। साथ में यहाँ पे एक न्यू सेक्शन आएगा जो एम टाइप का लोगों के साथ होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा बंडल रहेगा आप लोग देख पा रहे हो, बंडल के पीछे एम का सिंबल है, तो ये सब बंडल हमारा एम वाले सेक्शन पे आ जाएगा। तो ये सब बंडल गाइस हमारा OB38 अपडेट के बाद आने वाला है। एंड इसी के साथ में गाइस आप लोग यहाँ पे जितने सारे ग्लोबल स्किन देख पा रहे हो, सब कुछ हमारा OB38 अपडेट के बाद आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही कमाल के यहाँ पे कोलाब्रेशन आइटम रखा गया है, ग्लोबल भी बहुत ही मस्त बनाया गया है। और गाइस, इस बार के OB38 अपडेट के बाद आप लोग को तीन एनिमेशन देखने के लिए मिलेगा। एक फिश एनिमेशन होगा जो स्काई विंग का है, साथ में यहाँ पे हमारा लॉबी एंट्री और एक एनिमेशन है, शायद से इसको होली या कुछ स्पेशल थीम पे बनाया गया है। एंड तीसरा देख पर यहाँ पे भाई थोड़ा अलग ही दिख रहा है,
तो ये वाला क्या होगा ये तो मैं अपडेट के बाद ही आप लोगों को रिव्यू करके दिखा पाऊंगा। एंड यहाँ पे जो फिश वाला एनिमेशन देख पा रहे हो इसका स्क्रैबिंग भी फिश टाइप का ही होगा, तो देख पा रहे इसका स्क्रैबिंग का लुकिंग, तो ये वाला स्क्रैबिंग आने वाले अपडेट के बाद। साथ में गाइस यहाँ पे कुछ मैं आप लोगों को मोटर बाइक का स्किन दिखा देता हूँ, जैसा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो साथ में एक स्पोर्ट कार का भी स्किन आएगा। तो ये दोनों व्हीकल आने वाले OB38 अपडेट के बाद। एंड गाइस यहाँ पे बात करें कैरेक्टर की, तो इस पर हमारा एक कोलैबोरेशन होगा निंजा थीम पे, मतलब डेविल मे क्राई ये जो सीजन देख पा रहे हो इनके साथ कोलैबोरेशन करने वाले ऑफिशियल, तो इनके रिगार्डिंग कुछ बंडल आएगा। तो सबसे पहले आप हमारा न्यू कैरेक्टर का PNG देख लो, आप लोग देखने में कुछ इस टाइप का होगा। साथ में जो कोलैबोरेशन बंडल्स है बंडल का लुकिंग कुछ इस टाइप का होगा, एक बंडल देख पा रहे हैं, दूसरा बंडल रेड कलर का होगा, देखने में बहुत ही ओपी लग रहा है। एंड इन्हीं के साथ में जो तीसरा बंडल होगा, तीसरा बंडल का लुकिंग कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलेगा। एंड इनका बंडल PNG के पीछे ऐसा फायर इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इनके साथ गए जो हमारा न्यू कैरेक्टर है वो देखने में कुछ इस टाइप का होगा भाई, न्यू कैरेक्टर माइकल जैक्सन की तरह है। एंड हमारा एंजेलिक थीम के साथ कोलैबोरेशन है, और यहाँ पे भाई देख पा रहे हमारा कोलैबोरेशन बंडल जो आप लोग देख पा रहे हो 3D में, तो ये देखने में कुछ इस टाइप का होगा जिसके पीछे एक बड़ा सा तलवार रहेगा, एंड देखने में कुछ इस टाइप का होगा बहुत ही ओपी वाला। तो ये वाला गाइस आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा OB38 अपडेट के बाद, ये वाला बंडल। एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है गाइस कमेंट करके जरूर बताना। एंड भाई इतना कमाल का एक बंडल आने वाले अपडेट के बाद, आप लोग तो जरूर लेंगे इसको। तो इसका आउटफिट वगैरह बहुत ही मस्त बनाया गया है, और इसी कोलैबोरेशन स्पेशल एक क्रेट आएगा जहाँ पे डिजर्ट ईगल का बहुत ही मस्त स्किन बनाया जाएगा, तो इनका एट्रीब्यूट अभी तक पता नहीं चला। साथ में गाइस यहाँ पे ड्रैगन टेल थीम पे एक गन आने वाला है, शायद से कौन सा गन होगा पता नहीं, बट यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट गन जैसा दिख रहा है। एंड साथ में यहाँ पे कटना का भी स्किन रहेगा जो देख पा रहे हो ड्रैगन थीम पे। एंड गाइस इसी के साथ आप लोग को उडपीकर का 3 कमल के स्किन देखने के लिए मिलेगा, जो स्किन आप लोग देख पा रहे हो, तो ये तीनों स्किन पॉसिबल है कि आप लोग को इनक्यूबेटर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। एंड गाइस हमारा OB38 अपडेट के बाद 2 इवोल्यूशन गन आने वाला है, एक इवो थॉम्सन एंड दूसरा होगा इवो G18। तो यहाँ पे इवो G18 लेट आएगा, बट इवो थॉम्सन आप लोग एक बार जो फायरी थीम पे बेसिस है, तो OB38 अपडेट के बाद सबसे पहले यही गन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। एंड इसका लुकिंग वगैरह देखने में कुछ स्टेप का होगा जैसा आप लोग देख पा रहे हो, तो इसका एनिमेशन लुकिंग बहुत ही मस्त बनाया गया है। एंड इस गन को अपग्रेड करने के लिए आप लोगों को ये वाला टोकन की यूज करना पड़ेगा जो लुक आप लोग देख पा रहे हैं। एंड गाइस यहाँ पे देख पा रहे हमारा इवोल्यूशन G18 जो देखने में भाई ऐसा होगा भाई बहुत ही ओपी सा है, तो डायमंड जैसा शेप पे इसको बनाया गया है। एंड आप लोग के ये OB39 अपडेट के बाद देखने के लिए मिल सकता है। एंड इसको अपग्रेड करने का जो टोकन है ये देखने में डायमंड शेप का ही होगा, तो इसका अपग्रेडेशन टोकन को भी डायमंड जैसा बनाया गया है। और गाइस इसी OB38 अपडेट में आप लोग को न्यू लुक चेंजर देखने के लिए मिलेगा जो कुछ इस टाइप का होगा। एंड इसके रिगार्डिंग गाइस जो बंडल है बंडल भी आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो राइट साइड पे आप लोग बंडल देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे लुक चेंजर आप लोग देख पा रहे हो, तो इनका थोड़ा हटके टाइप का डिजाइन अभी बन रहा है। तो OB38 अपडेट के बाद पूरा लुक चेंजर का रिव्यू मिल जाएगा, मैं आप लोग को जरूर दिखा दूंगा। एंड गाइस यहाँ पे देख पा रहा हमारा OB38 में आने वाला न्यू अपकमिंग इमोट्स, तो यहाँ पे हमारा वैलेंटाइन स्पेशल भी बनाया गया है, साथ में हमारा कोलैबोरेशन स्पेशल भी बहुत सारे इमोट बनाया गया जो आप लोग देख पा रहे हो। तो OB38 अपडेट में एक अनलिमिटेड टाइम तक चलने वाला एक इमोट भी आएगा जो रनिंग इमोट बोल सकते हैं, तो ये सब इमोट गाइस आने वाला है OB38 अपडेट के बाद हमारे गेम के अंदर। तो गाइस हमारा OB38 अपडेट आने में और ज्यादा दिन टाइम नहीं है बाकी, बस और 10 दिन के आसपास होगा शायद, बट हमारा OB38 अपडेट आने वाला है 11 जनवरी को। फिर से डेट सुन लो, 11 जनवरी को गेम के अंदर मेंटेनेंस ब्रेक रहेगा, कोई भी गेम प्ले नहीं कर पाओगे उस दिन, पूरा दिन गेम सर्विस मतलब मेंटेनेंस पे रहेगा। तो आज के लिए बस इतने अपडेट था गाइस, आप लोग को मैंने बहुत सारे अपकमिंग कॉन्फर्मेशन इवेंट एंड अपडेट बता दिया जो शायद आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। सो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट अपडेट के साथ।